साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49वीं सेंचुरी लगाने के बाद क्रिकेट पंडित्स में सबसे बड़ी डिबेट ये है कि हु इज बेटर या कौन बेस्ट है, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बेटर बैट्समैन है? क्योंकि आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने 400 से ऊपर ODIs लिए थे 49 शतक लगाने के लिए, और विराट कोहली ने 277 इनिंग में ये जादुई आंकड़ा छुआ। तो कभी कभी आंकड़े सिचुएशंस नहीं बताते, आंकड़े भी झूठ बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली का कंपैरिजन सचिन से नहीं किया जा सकता परफॉर्मेंस के हिसाब से। लेकिन कुछ फैक्ट भी हैं जिस पे बात की जाएगी, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा हु इज ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली। तो स्टार्ट करते हैं हम सचिन और विराट से। पहले जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ था तो उस समय सबसे बेहतर बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन थे डॉन ब्रैडमैन, 90s की एरा में। लेट 90s में आया सुनील गावस्कर, उन्होंने भी जब 34 शतक मारा, 10,000 मारा, उस समय क्रिकेटर सोच ही रहे थे, उस समय क्रिकेटरों का यही कमेंट था कि अब ये आंकड़ा कोई नहीं तोड़ेगा। उसके बाद फिर मॉडर्न ग्रेट आए, हमारे आइडल, आप सबके आइडल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सचिन तेंदुलकर, उन्होंने भी जो मुकाम छुआ वो उस समय भी, जब सचिन ने 200 रन बनाया वनडे में तो लग रहा था कोई 200 रन नहीं बनाएगा, जब सचिन ने 100 सेंचुरीज मारी तो सभी यही कह रहे थे कि 100 सेंचुरीज क्या रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। फिर आ गए विराट कोहली, और जिस तरीके से विराट कोहली का परफॉर्मेंस है, 49 तो वनडे में बराबरी कर ही लिए हैं, उम्मीद है कि अगर 2 साल का लीन पैच नहीं आया होता विराट कोहली के बैटिंग में तो अभी 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी टूट गया होता। लेकिन अब हम फैक्ट पे बात करेंगे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बारे में। देखिए पहली चीज, विराट कोहली ने क्या कहा सेंचुरीज मारने के बाद, 49 शतक लगाने के बाद, कि वो चाहे रिकॉर्ड में जितना आगे निकल जाए, विराट कोहली का खुद का कमेंट है, लेकिन सचिन तेंदुलकर हमेशा उनसे बहुत आगे रहेंगे। ये क्या दर्शाता है? विराट कोहली की ग्रेटनेस, कि विराट कोहली खुद कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। सचिन तेंदुलकर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्यों कहा जाता है? अगर आप अभी यंग हो, आपने सचिन को देखा नहीं है, तब आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं आंकड़े विराट के सचिन से ज़्यादा है। लेकिन आप 90s स्टार्ट करोगे आप, तो पूरी की पूरी टीम डिपेंड करती थी, 1990 से 2000 तक भारत अगर जीतता था तो वो सचिन अगर लास्ट तक है तब जीतता था, इस तरीके का डोमिनेंट था सचिन का। और बॉलिंग अटैक, आज तो देखेंगे कि हर टीम में 2-3 अच्छे बॉलर हैं, या कुछ टीम ऐसी हैं जिसमें उस टाइप के बॉलर्स नहीं हैं, जिस जैसे श्रीलंका ही मॉडर्न टाइम की देख लीजिए, इस समय की देख लीजिए, श्रीलंका की बॉलिंग अटैक बहुत वीक है, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अटैक बहुत वीक है, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर थे तो वेस्ट इंडीज में कटली अम्ब्रेस, कटनी वाज, उसके बाद भी मरवन डिल्लन और भी खतरनाक गेंदबाज थे, और साउथ अफ्रीका में एनल डोनाल्ड, सॉन पोला, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक, उस समय बॉलिंग अटैक बहुत टफ था और विकेट्स भी बहुत टफ था। ये भी कह सकते हैं कि कुछ रूल्स जो थे वो बैट्समैन फ्रेंडली नहीं थे, जैसे कि बैट्समैन फ्रेंडली में नहीं, कि उस समय से 15 ओवर का रहता था, आज आप जानते हैं कि 2 नई बॉल रहती है ODI में, 2 नई बॉल रहने से क्या फ़ायदा होता है बैट्समैन को, बॉल की हार्डनेस बनी रहती है, और जो रिवर्स स्विंग का चांसेस होते थे 34 ओवर के बाद, 30 ओवर के बाद, वो गेम से चला गया है, इसलिए बैट्समैन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, शुरू से लास्ट तक गेम एक ही तरफ से रहता है, सिर्फ आपको 5 से 7 ओवर बॉल की साइन निकालनी है। लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सचिन तेंदुलकर के साथ ये भी नहीं था तो इसका मतलब कि विराट कोहली वीक बॉलरों के अगेंस्ट रन बना रहा है। देखिए विराट कोहली भी अच्छे गेंदबाजों के खिलाफ रन बना रहा है, लेकिन एज एक जनरेशन का बल्लेबाज दूसरे जनरेशन में कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए। और हमारे और आपके लिए गर्व की बात क्या है कि विराट कोहली भी हमारे देश से बिलोंग करते हैं और सचिन तेंदुलकर भी हमारे देश से बिलोंग करते हैं, तो दोनों ग्रेट्स हैं। अब हम सिमिलरिटीज की बात करेंगे कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में सिमिलरिटीज क्या हैं। डेडिकेशन, आप सचिन तेंदुलकर का आप पढ़िए सचिन तेंदुलकर के बाद, या पूछिए सचिन तेंदुलकर, अगर आप नहीं जानते तो आप पूछिए
अपने सीनियर से पूछिए या आप उनसे पूछिए जो सचिन तेंदुलकर को जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कितना डेडिकेटेड थे गेम के प्रति। फिटनेस सचिन तेंदुलकर की आप देखिए, इंजरीज से जरूर जूझे लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए आप सचिन का, लास्ट ओवर तक सचिन तेंदुलकर की जैसी फिटनेस थी ठीक उसी तरीके से विराट कोहली की फिटनेस है। तो मॉडर्न, दोनों मॉडर्न ग्रेट्स हैं, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि सचिन तेंदुलकर महान है कि विराट कोहली महान है। हम ये भी कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों महान हैं और दोनों गजब के बल्लेबाज हैं और दोनों की टेक्निक, टेम्परामेंट, फिटनेस, जैसे कुछ बैट्समैनों की होता है ना कि वो बैट्समैन वर्ल्ड क्लास रहते हैं लेकिन फिटनेस उनकी उस तरीके से नहीं रहती, लेकिन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की दोनों शानदार हैं। और एक बात कि दोनों गेम के प्रति उनका जिस तरीके का डेडिकेशन है या प्रैक्टिस के प्रति, मैंने सुना, देखा, पढ़ा जितना सचिन के बारे में, क्योंकि जब सच मैंने क्रिकेट देखना या क्रिकेट जानना स्टार्ट किया तो सचिन तेंदुलकर उस समय पीक पे थे और परफॉर्मेंस सचिन की देखी, एक तरीके से ये कहते हैं कि सचिन की बैटिंग देखकर हम लोग बड़े हुए, तो जिस तरीके के बल्लेबाज सचिन थे, और बीच में विराट कोहली आए हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों महान हैं, दोनों अच्छे हैं। हाँ, कंडीशन सचिन के समय दूसरी थी, विराट कोहली के समय दूसरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली उस कंडीशन में नहीं सरवाइव कर सकते थे। अगर विराट कोहली सचिन के एरा में खेलते तब भी परफॉर्मेंस विराट कोहली का जो आज है वही रहता। और एक चीज़ आप जानते हैं, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने वनडे में एक साथ 10 इनिंग बल्लेबाजी की है और आंकड़े देख लीजिए उनका, 6 में 50+ पार्टनरशिप है दोनों। तो अगर सचिन और विराट ज़्यादा एक साथ खेलते तो भारतीय क्रिकेट का और भला होता और रिकॉर्ड बनते। सचिन द्रविड़ ने तो बल्लेबाजी की ही, लेकिन अगर एक विराट कोहली और मिडिल ऑर्डर में रहते तो भारतीय मिडिल ऑर्डर को और ऊंचाई मिलती। फिर भी भारतीय बैटिंग आज भी जो रिकॉर्ड भारतीय बैट्समैनों के पास है या रिकॉर्ड भारतीय बैट्समैनों ने ब्रेक किया है वो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। और याद होगा आपसे एक अवार्ड शो में सचिन तेंदुलकर से सलमान खान ने पूछा कि आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है, तो सचिन तेंदुलकर ने जिन दो बल्लेबाजों के नाम लिए, एक थे विराट कोहली, दूसरे थे रोहित शर्मा, कि मेरा रिकॉर्ड ये दोनों तोड़ सकते हैं, ये भी बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है। और विराट कोहली ने कहा ही कि कोई भी कितना भी रिकॉर्ड तोड़ दे सचिन का, या मैं चाहे जितना आगे निकल जाऊं, लेकिन मेरे लिए वो एकदम ऊपर टॉप क्लास लगाते हैं, उनके बराबरी में पहुंच भी नहीं सकता। आपको याद होगा 2016 के T20 वर्ल्ड कप में, या कोई 2016 में मैच होता था जिसमें सचिन तेंदुलकर थे देखने के लिए, विराट कोहली ने सेंचुरी मारने के बाद डेडिकेट किसे किया था या इशारा किस तरीके से किया था, डेडिकेट सचिन तेंदुलकर के, क्योंकि विराट के नज़रों में सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, क्योंकि कोई ना भारत में जितने भी बैट्समैन उस जनरेशन में बड़े हुए सब सचिन के फैन थे। और विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम शेयर किए, और भी आप पढ़ सकते हैं विराट कोहली का क्या व्यू है सचिन तेंदुलकर के बारे में। और कंपैरिजन बंद करें, दोनों महान हैं, दोनों ग्रेट हैं, और अच्छी बात यह है कि दोनों हमारे देश से बिलोंग करते हैं। हम पे इस विराट पे गर्व है, हम पे सचिन तेंदुलकर पे गर्व है। सचिन तेंदुलकर ने भारत में क्रिकेट फेमस किया और विराट वर्ल्ड में ले जा रहे हैं, तो लीगसी सचिन की विराट कोहली कैरी कर रहे हैं, और हमें आपको गर्व है विराट और सचिन।